ऋषि रमन की शिक्षाएं अपने शब्दों में, इसका ये दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूं। ये वीडियो में जो भगवान रामनाथ श्री महर्षि की जो शिक्षाएं हैं वो प्रश्न उत्तर रूप में हैं। प्रश्न साधक प्रश्न करता है। चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के सत्रों की दृष्टि से तुरीय से कितनी कम मूल्य वाली हैं, इनका तुरीय से क्या संबंध है? भगवान रामना महर्षि उत्तर देते हैं, सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति। ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं है, वे आती जाती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है, वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं है, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है यह कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं, चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं, एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्तर आते जाते हैं। पर्दा सत्य है, चित्तर पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी अवस्था कहते हैं। ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है, वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं है, सिवा इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन, दोनों मन के परिणाम हैं। क्योंकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था पूरी अवस्था है जो हमेशा एक सी रहती है, और जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं। तुरीय को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है। जबकि आत्मा सदा एक रूप है, इसलिए तुरीयातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। प्रश्न, लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? भगवान उत्तर देते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा यह कहता है कि ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती। दृष्टा का मतलब यहाँ पर अहम, ईगो। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है या नहीं। इस प्रकार
अन्वेषण करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न आती हैं न जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मा अनुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा। प्रश्न: मन और आत्मा में क्या भेद है? महर्षि उत्तर देते हैं, कोई भेद नहीं है। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख बनकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। रूई से बने विविध वस्त्र विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोने से जब विविध अलंकार बनते हैं तब अनेक नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र रूई हैं और सब अलंकार सोना है। सत्य एक है, उसके नाम रूप अनेक हैं, लेकिन मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का नहीं। प्रश्न: ब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है? उत्तर: हाँ, यह ठीक है, जो है वह केवल सत्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत्य की प्रभा चित्त है तथा उसका स्वभाव आनंद है, ये सत्य से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर एक सच्चिदानंद रूप बनता है। प्रश्न: आत्मा सत्ता और चैतन्य है तो वह सत असत से भिन्न तथा चेतन अचेतन से भिन्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा सत्य है, लेकिन चूंकि वह सर्वरूप है, उसकी सत्यता के बारे में द्वैत मूलक प्रश्नों का अवकाश नहीं, अतः उसे सत असत से भिन्न कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह चैतन्य है, क्योंकि उसके लिए कुछ ज्ञेय नहीं है अथवा वह स्वयं किसी का ज्ञेय नहीं है, उसे चेतन अचेतन से भिन्न कहा जाता है। सच्चिदानंद कहने से यह लक्षित होता है कि वह परम सत्ता असत नहीं है, अर्थात सत से भिन्न नहीं है, अचित नहीं है, अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं है, एवं आनंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है, एवं अनानंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है। क्योंकि हम माया में प्रातिभासिक जगत में हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। प्रश्न: किस अर्थ में सुख या आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है? भगवान उत्तर देते हैं, पूर्ण आनंद ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा है, केवल उसका अस्तित्व है तथा वही चैतन्य है। जिसे आनंद कहते हैं वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परमानंद से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है
उसी का अस्तित्व है। इस सत्य को ठीक समझकर एवं आत्मा की सहज अवस्था में रहकर सनातन सुख का अनुभव कीजिए। यदि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख बाह्य कारणों से और पदार्थों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है, तो यह निर्णय करना तर्कसंगत होगा कि उन पदार्थों की वृद्धि से उसका सुख बढ़ना चाहिए और उनके कम होने से घटना चाहिए। इसलिए जब उसके पास कुछ भी न हो तो उसका सुख पूर्ण रूप से समाप्त होना हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या वह इस निर्णय के अनुरूप है? गहरी नींद में मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, शरीर भी नहीं होता, तब दुखी होने के बजाय वह पूर्ण रूप से सुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य गाढ़ निद्रा चाहता है। निष्कर्ष यह है कि आनंद मनुष्य में ही निहित है और बाह्य कारणों से या उपकरणों से उत्पन्न नहीं होता है। अमिश्रित शुद्ध आनंद के खजाने को खोलने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए। प्रश्न: श्री भगवान हृदय को चैतन्य का केंद्र एवं आत्मा से अभिन्न कहते हैं, इस हृदय का सही अर्थ क्या है? भगवान श्री रामना महर्षि उत्तर देते हैं, आप इसे ईश्वर, आत्मा, हृदय या चैतन्य का केंद्र किसी भी नाम से पुकारें, इन सब का एक अर्थ है। समझने की मुख्य बात यह है कि हृदय मनुष्य का मूलाधार या केंद्र है, जिससे अलग कुछ नहीं है। हृदय भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। हृदय जमा अयम मिलकर हृदय शब्द बनता है, जिसका अर्थ आत्मा का स्थान है। यहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, इसके आश्रय से बने रहते हैं तथा इसी में लीन होते हैं। विचार मन में रहकर विषयों का निर्माण करते हैं। हृदय इन सब का केंद्र है। उपनिषदों में जहाँ से सब प्राणी प्रकट होते हैं उसे ब्रह्म कहा गया है, वे हृदय है, ब्रह्म हृदय है। प्रश्न: हृदय का अनुभव कैसे किया जाए? महर्षि रामना उत्तर देते हैं, कोई भी अक्षण भर के लिए भी आत्मा का अनुभव किए बिना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह अपने आत्मा से अलग रहता है। वह आत्मा ही है और आत्मा हृदय है। हृदय वह केंद्र है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है। आप जगत, शरीर इत्यादि देखते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि इन सब का केंद्र हृदय है। जब आप हृदय में ही होते हैं तब हृदय न केंद्र है, न परिधि, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह चेतना जो सच्ची सत्ता है और जो आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ को जानने के लिए बाहर नहीं जाती, हृदय है। क्योंकि आत्मा का सत्य निष्क्रिय चेतना को ही मालूम है, वह चेतना जो सदैव केवल आत्मा को अपना विषय बनाती है, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है। आत्मभान एवं आत्मा का अज्ञान। प्रसंग वशात श्री रमण कहते हैं कि आध्यात्मिक साधकों की तीन श्रेणियां होती हैं।
श्रेष्ठ साधक आत्मा के सत्य को एक बार सुनने पर ही आत्मा अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधकों को आत्म भान में प्रतिष्ठित होने के पूर्व कुछ समय के लिए मनन करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी के साधक कम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको साधारणतया आत्म साक्षात्कार का ध्येय प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन के अलावा कई सालों तक कठिन आध्यात्मिक साधना के साथ गंभीर निधि ध्यासन करना पड़ता है। वे जवनलशील पदार्थों के दृष्टांत से यह बात समझाते थे, बारूद को भस्म करने के लिए एक चिंगारी पर्याप्त है, कोयले को कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है और गीला कोयला सूखकर गर्म होकर जलने में अधिक समय लेता है। अग्रिम दो श्रेणी के साधकों के प्रति श्री रमण कहते हैं कि केवल आत्मा का अस्तित्व है और यदि आप अपने बारे में अपनाए हुए गलत ख्यालों के प्रति ध्यान न दें तो आत्मा का सीधा स्पष्ट अनुभव होगा। इन गलत धारणाओं को वे सामूहिक रूप से अनात्मा कहते थे, क्योंकि ये काल्पनिक गलत धारणाएं सच्चे आत्मानुभव का आवरण करती हैं। यह मुख्य गलत विचार है कि आत्मा शरीर या मन से मर्यादित है। जिस अक्षण मनुष्य स्वयं को एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति मानना छोड़ देता है तो पूरा गलत धारणाओं का प्रसाद ढह जाता है और उसकी जगह सच्चे आत्मा की नित्य सभानता ले लेती है। उपदेश की इस भूमिका के पश्चात प्रयत्न या अभ्यास का प्रश्न नहीं रहता। आवश्यकता केवल यह समझने की है कि आत्मा कोई प्राप्तव्य ध्येय नहीं है, बल्कि अपने विषय में एकत्रित किए गए गलत पूर्वाग्रहों का त्याग करने के अनंतर हमेशा बनी रहने वाली शुद्ध सभानता ही पर्याप्त है। प्रश्न, मैं आत्म साक्षात कैसे कर सकता हूँ, पूछ रहा है साधक। महर्षि उत्तर देते हैं, साक्षात्कार कोई नई चीज प्राप्त करने की बात नहीं है, वह पहले से ही मौजूद है। आवश्यकता केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया इस विचार को छोड़ देने की है। निश्चलता तथा शांति साक्षात्कार है। आत्मा न हो ऐसी एक भी अक्षण नहीं है। जब तक संदेह हो या साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसा भाव हो, तब तक ऐसे विचारों से मुक्त होने का यंत्र जारी रखना चाहिए, यत्न जारी रखना चाहिए। ऐसे गलत विचार आत्मा को अनात्मा से एक रूप मानने से उत्पन्न होते हैं। जब अनात्मिक विषयक विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल आत्मा शेष रहता है। अवकाश के लिए वस्तुओं को हटाना पर्याप्त है, किसी दूसरी जगह से अवकाश लाया नहीं जाता। प्रश्न, क्योंकि वासना अक्षय के बिना साक्षात्कार असंभव है, मैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ जिसमें वासनाओं का अभाव हो? महर्षि उत्तर देते हैं, आप इस अक्षण उस अवस्था में हैं। प्रश्न, इसका यह मतलब है कि आत्मा का अवलंबन लेकर जब भी वासना पैदा हो उसे नष्ट कर देना चाहिए? भगवान रामना महर्षि उत्तर देते हैं, यदि आप जैसे हैं वैसे रहें तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। प्रश्न, मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं?
महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा तक पहुंचना नहीं होता है। यदि पहुंचना होता तो उसका यह मतलब होता है कि आत्मा इस सथल और पल में नहीं है और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। जो नए सिरे से प्राप्त किया गया है वह खो भी जाएगा तो वह अनित्य होगा। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं है। आप आत्मा हैं, आप पहले से वह हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को गलती से देह मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। यह गलत तादात्म्य अवश्य जाना चाहिए, तब केवल आत्मा शेष रहता है। इसलिए साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए साधगो में रहा हुआ भेद कोई अर्थ नहीं रखता। यह संदेह कि क्या मैं साक्षात्कार कर सकता हूँ और यह विचार कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये दो बातें स्वयं विघन रूप हैं। इन दो अवरोधों से भी बचना आवश्यक है। प्रश्न, मुक्ति तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? महर्षि उत्तर देते हैं, मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा है, अतः अभी यहाँ है। प्रश्न, मैं यह मानता हूँ लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं होता। महर्षि उत्तर देते हैं, अनुभव अभी और यहाँ है। कोई भी अपने आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। प्रश्न, उसका अर्थ है कि वह सत्ता है, आनंद नहीं? महर्षि उत्तर देते हैं, सत्ता और आनंद एक हैं और आनंद तथा अस्तित्व एक हैं। मुक्ति शब्द कई कल्पनाएं जगाता है। कोई उसे क्यों ढूंढे? लोग मान लेते हैं कि बंधन है, इसलिए ये मुक्ति ढूंढते हैं, लेकिन वस्तुतः बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। उसे नाम देकर आप क्यों ढूंढते हैं? प्रश्न, सच है लेकिन हम अज्ञानी हैं। उत्तर, महर्षि उत्तर देते, केवल इस अज्ञान को दूर कीजिए, बस इतना ही करना है। मुक्ति विषयक सारे प्रश्न अस्वीकार्य हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना है, इससे बंधन का अस्तित्व सूचित होता है। बंधन नहीं है अतः मुक्ति भी नहीं है। प्रश्न, पाश्चात्यों के एक साक्षात्कार का स्वरूप क्या है जो कहते हैं कि उन्हें विश्व चेतना की झांकी होती है? महर्षि उत्तर देते हैं, वह अक्षण में आती है, अक्षण में चली जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा वही केवल स्थाई होगा। चैतन्य निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है। सब लोग मैं हूँ ऐसा जानते हैं। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मनुष्य गहरी नींद में अभान होता है, जागृत में वह सभान दिखता है, लेकिन वह वही मनुष्य है जो सोया था और जो अब जाग गया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गार्ड सुसुप्ति में वह अपने शरीर के बारे में सभान नहीं था, अतः दैहिक चेतना नहीं थी। जागृत में वह शरीर के विषय में सभान होता है, अतः दैहिक चेतना है। इस प्रकार दैहिक चेतना के प्रकट होने या न होने में भेद है। सचित चेतना में कोई भेद नहीं है। देह एवं दैहिक चेतना एक साथ प्रकट होते हैं और साथ ही अस्त होते हैं। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि गाढ़ी निद्रा में मर्यादाएं नहीं है, जागृत में है। ये मर्यादाएं बंधन है। यह शरीर मैं हूँ ऐसा विचार गलत है। मैं विषयक यह गलत विचार अवश्य जाना चाहिए। सच्चा मैं हमेशा रहता है, वह यहाँ अभी भी है। वह नए सिरे से कभी प्रकट नहीं होता, नहीं अदृश्य होता है। जो है वह हमेशा रहना ही चाहिए।
जो कुछ नया प्रकट होता है वह नष्ट भी होता है। गाढ़ निद्रा एवं जागृत की तुलना कीजिए, एक अवस्था में शरीर दिखता है दूसरी में नहीं, इसलिए शरीर नष्ट होगा। चैतन्य पहले भी था और शरीर नाश के पश्चात भी रहेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मैं हूँ ऐसा नहीं कहता, मैं शरीर हूँ ऐसा गलत ज्ञान सब उपद्रवों का कारण है। यह मिथ्या ज्ञान अवश्य जाना चाहिए, वह साक्षात्कार है। साक्षात्कार कोई नई उपलब्धि नहीं है, न ही वह कोई नई शक्ति है, वह सिर्फ आवरण नाश है। चरम सत्य इतना सादा सरल है, अपनी मूल अवस्था में रहने से अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं है, इतना ही कहना पर्याप्त है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार। यही टॉपिक अगले तीसरे वीडियो में भी जारी रहेगा। नमस्ते दोस्तों।